सितंबर के पहले हफ्ते में होने जा रहे JEE मेन और नीट एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री बोले, देश के छात्र चाहते हैं परीक्षा हो। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने जारी की अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं की एग्जाम डेट शीट। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि बीकॉम, बीएससी, बीए एंड ऑनर्स सब्सिडी के छठे सेमेस्टर परीक्षाएं 10 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। 65 लाख पेंशनरों को मिली बड़ी राहत, अगर खो गए हैं दस्तावेज तो डिजी लॉकर करेगा मदद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 41वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस साल कोरोना वायरस महामारी के कारण GST संग्रह बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची अटल सुरंग बनकर हुई तैयार। सुरंग में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से हर दिन 5000 वाहन गुजर सकेंगे। 10000 फीट की ऊंचाई पर बनी है यह सुरंग। 9 किलोमीटर है इस सुरंग की लंबाई। 10 वर्ष लगे हैं इस सुरंग के निर्माण में। पहले जो सफ़र 5 घंटे में पूरा होता था, अब वह 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। पंजाब के डेरा बाबा नानक में वीरवार को पाकिस्तान और भारत के इंजीनियरों की मीटिंग हुई। वह एक सर्वे निरीक्षण भी किया गया। मामला करतारपुर साहिब के दर्शनार्थ पाकिस्तान की तरफ से अधूरे पुल को बनाने का है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की भलान एक पंचायत के पालगी नाला में बादल फट गया। बादल फटने से लाखों का नुकसान हुआ है। बादल फटने से आई बाढ़ के कारण एक गाड़ी, 5 लाख से बनी पुलिया सहित कई घराट भी बह गए हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।